अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स आवर लेक्चर नंबर 16 ऑफ मैथ्स, पेज नंबर 34। अच्छा जी स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर है उसमें आपने सब्ट्रैक्शन के जो कैरी वाले सम से और सिंपल सम से किए थे, आज हम लोग जो हैं वो सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है वर्ड प्रॉब्लम में, लेकिन स्टूडेंट्स ये बहुत ईजी हैं। आप ये सेकेंड टाइम कर रहे हैं, जिस तरह आपने ये फर्स्ट टर्म में किए थे, अब ये आप थर्ड टर्म में कर रहे हैं। चले इजीली कर लेते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर से ही इसकी स्टेटमेंट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर वन है, आर लाइब्रेरी हैज़ 323 इंग्लिश स्टोरी बुक्स एंड 174 उर्दू स्टोरी बुक्स। हाउ मैनी मोर इंग्लिश स्टोरी बुक्स आर देयर दैन द उर्दू स्टोरी बुक्स। सिंपल है, उन्होंने कहा एक स्कूल है, उसमें 323 इंग्लिश स्टोरी बुक्स हैं और 174 जो हैं वो उर्दू स्टोरी बुक्स हैं, तो आप बताएं कि कितनी ज़्यादा इंग्लिश स्टोरी बुक्स हैं देन उर्दू स्टोरी बुक्स। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग करेंगे लाइब्रेरी हैज़ इंग्लिश स्टोरी बुक्स और इक्वल लगा के हम लोग उसकी फिगर पुट कर देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे उर्दू स्टोरी बुक्स और उर्दू स्टोरी बुक्स हैं 174, और उसके बाद हम लोग जो हैं इंग्लिश स्टोरी, हम लोग इसको इक्वल लगा के इन दोनों को माइनस कर लेंगे और लिखेंगे मोर इंग्लिश स्टोरी बुक्स देन द उर्दू स्टोरी बुक्स। अच्छा नीचे आ जाएं, मिसेस अली ने जो है एप्पल्स लिए हैं 370 के, और उन्होंने शॉपकीपर को 500 रुपये का नोट दिया है और उन्होंने कहा है कि बताएं कि उन्हें कितना चेंज जो है वो वापस मिला है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मिसेस अली गिव द शॉपकीपर इक्वल लगा के 500 एंड देन शी बॉट एप्पल्स, उन्होंने कितने के एप्पल्स लिए हैं 370 के, और एंड लास्ट पे चेंज शी गेट बैक, और उन्होंने जो चेंज है वो मिला है कितना, माइनस करके हम लोगों को उनका चेंज पता चल जाएगा। अच्छा चलें लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। माहा जो है उसके पास राइफल टिकट हैं 250 और उसने उसमें से सॉल्व कर दिए हैं 175, और बताएं अब उसके पास कितने टिकट्स बचे हैं। माहा हैड राइफल टिकट्स, इक्वल लगा के हम लोग ये 250 लिख लेंगे। उसके बाद शी सॉल्ड ऑफ डैम, उसने बेच दी हैं उसमें से 175, एंड शी हैव टिकट्स नाओ या टिकट्स शी हैव नाओ, और इक्वल लगा के हम लोग इसे माइनस करके इसका आंसर जो है फाइंड कर लेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर से ही स्टेटमेंट जो है वो फाइंड की है। ये बहुत ईजी है, आप लोगों को अगर मुश्किल लगे तो आप अपने फर्स्ट टर्म के नोट्स में से हेल्प ले लें, ठीक है। दिस इज़ योर टुडेज़ टास्क, आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है।